तो अगर किसी को किसी भी तरह का कोई लार्ज लेवल पे काम करवाना हो, प्लम्बर A1 सर्विस है उसकी, इलेक्ट्रीशियन A1 सर्विस है उसकी, वाइट वॉश जब होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगी, बट उसने जो अपना काम दिखाया है वो बहुत बढ़िया काम है। एंड देन ये POP वाला वो भी बहुत बढ़िया है। PVC का किसी को काम करवाना हो, जैसे मैंने किचन में और बाथरूम में करवाया है, तो मुझे आप बताइएगा, मैं नंबर आपको जिसका भी रिक्वायर्ड होगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। क्योंकि कुछ होता है ना कि आपको चीज़ पसंद आई हो और काम भी, चौकीदार आ गया, काम भी आपकी पसंद का हो जाए और रीजनेबल रेंज में हो जाए, तो वो अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो चलिए फिर विदा ले लेते हैं, गुड बाय फ्रेंड्स। इस हाथ से इसलिए नहीं कर रही कि पट्टी वापस आ गई है, बहुत सारे बर्तन मांजे, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे कपड़े धोए, तो ये अंगूठा फिर से शुरू हो गया दर्द। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। सुबह बहुत ज़्यादा काम है, सुबह इनको अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है, तो ये सुबह 8 बजे ये निकल जाएंगे। संबित का मैच है, 8 बजे 7 बजे वो चला जाएगा, रहेंगे दिया और मैं घर पे। तो हमें कल बच्चों का कमरा जो है उसकी छत करवानी है, तो कल सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों का कमरा खाली करना पड़ेगा। बहुत सारा काम है कल की डेट में, अगर सब आ जाते हैं, नहीं तो ये होता है कि मैं सोचती बहुत कुछ हूँ और बंदा ही नहीं आता, कई बार हो जाता है। तो चलिए फिर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। रात को इसमें पेन हो गया था, काफ़ी सारा काम कर लिया था। अभी मैंने पट्टी उतारी है क्योंकि फ्रेशन अप वगैरह होना था, सामान सामून इधर उधर करना था। आज के दिन में बहुत सारी कसरत है। सैमी सुबह खेलने चला गया था, ये अब बाहर गए हैं दिल्ली से बाहर किसी ऑफिशियल ट्रिप पे, तो ये शाम तक आ जाएंगे। तो आज का दिन मैंने टोटली रेस्ट का रखा है क्योंकि एक तो हिम्मत नहीं हो रही, बहुत वीकनेस लग रही है, दूसरा इतने दिनों के काम के बाद ना थोड़ी हालत भी ख़राब हो रखी है, तो आज के दिन रेस्ट करेंगे। ये देखिए होंठ मेरा कैसे सूजा हुआ ऊपर का, ये सब ड्राई हो रखा है, देसी घी लगाया है इस पर, कल से देसी घी लगा रही हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पूरा ही होंठ मुस गया था पर अभी ये चीज़ निकल आई है। तो मैं बता रही थी कि आज के दिन में बहुत मेहनत है। POP का जो काम होना है, ये छत पूरी खुर्ची जाएगी और फिर नया डिज़ाइन होगा, जो डिज़ाइन मैं फाइनल कर रही हूँ। तो अपना सामान वगैरह लेके आ गया था सुबह सुबह भैया 8:30-9 बजे, बट हमसे उठा ही नहीं जा रहा था, मैं और दिया ही थे घर पे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि भैया आज सामान रख जाओ, बाकी का सामान ले आओ, कल सुबह से शुरू करना, क्योंकि आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वो पूरा कमरा खाली करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक दीवान को छोड़ के बाकी सारा सामान उसका इधर शिफ्ट करना पड़ेगा या हॉल में रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम है आज, बहुत ज़्यादा काम है, दिमाग ख़राब हो रखा है, कैसे होगा। उसने बोला कि आप ये छोटा छोटा सामान सारा हटा लो, दीवान हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि दीवान के ऊपर से वो स्टैंड लगा लेगा। मैंने डिज़ाइंस ऑलरेडी ऑनलाइन पसंद कर रखे थे, तो मैंने उसको वो दे दिया, वो कह रहे ओके बन जाएगा, अदरवाइज़ उनके खुद के भी डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। तो क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पहले दिन से, इवन जब हमने पहले बीच में वाइट वॉश करवाया था मकान, इसको हटा दिया जाए। मैंने उनको बोला भी था कि ये जो कलर कर रहे हो ना पट्टियों पे, ये मत करो, इसको वाइट रहने दो, बट वो नहीं माने, कह रहे कि नहीं कलर के ऊपर कलर ही होगा, तो पहले कलर हो रखा था। बहुत गंदा लगता है ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा। फॉल सीलिंग कराने का बजट नहीं है और फॉल सीलिंग मुझे अच्छी भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लाइट्स हो जाती हैं सारी तरफ, हॉलोजन लाइट 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 हो जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक कॉर्नर में लाइट लटकती है जो, वो ज़्यादा बेटर लगती है उससे कि हर जगह पे लाइट लाइट कर दो। अभी जो डिज़ाइन मैं लेके चल रही थी अपने रूम के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा सा डिज़ाइन में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि मैं अपने कमरे का डिज़ाइन चेंज करूँ, कुछ और सेटिंग बिठाऊं कमरे की। डबल बेड तो ऐसे ही आएगा, बट नया फर्नीचर आने के बाद ही कुछ मैं फाइनल डिज़ाइनिंग करूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए कंसंट्रेट कर रही हूँ वाइट वॉश और POP छत का जो करवाना है उसके ऊपर।
और उसके बाद फिर वाइट वॉश होने के बाद जब हम फर्नीचर लेने जाएंगे तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, फाइनल सेटिंग जो है देखते हैं क्या होता है। परमात्मा हाथ दिए जा रहा है, साथ दिए जा रहा है, काम चल रहा है और अड़चनें भी आ रही हैं क्योंकि बजट बहुत कम था, तो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके, बस एक बार कंप्लीट हो जाए क्योंकि घर में रेनोवेशन जो है ना वो सालों में एक बार होती है। इस वक्त चलते काम के अंदर जो जो चेंजेस कराने हो जाएंगे ना तो उसके बाद कई सालों की छुट्टी, उसके बाद ये काम रोज़ रोज़ नहीं होते, तो अपना शांति से आगे लाइफ चलती रहेगी। बच्चों का सीन कुछ समझ नहीं आता, मम्मी नाश्ता करा दो फिर काम करते हैं, मम्मी नाश्ता करा दो फिर काम करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके और जाके दोनों बिस्तर में सो गए। अब 2 बज गए हैं, कब हम कमरा सेट करेंगे, कब वो कमरा खाली करेंगे, उनको ये होता है कि उनकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो क्योंकि वो बिस्तर वगैरह सब वहाँ से हटेंगे तो वहाँ पे कोई सो नहीं पाएगा शायद आज रात को, शायद रात को तो सो सकते हैं क्योंकि दीवान तो हम नहीं हटा रहे और जो खाली एक गद्दा गद्दा है दिया का सोफ़ा वो हम सफाई करके उसको वैसे ही बिछा लेंगे, तो उसमें मेरे को लग रहा है दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सोच रही थी लगे हाथ ये बैल्कनी को भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो हमारे ये कर्टन सही से आ जाएंगे और गमले वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि गमलों का स्पेस बन नहीं पा रहा है अभी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा गमलों के लिए और सारे मेरे बड़े बड़े गमले हैं, बहुत बड़े बड़े, बड़ी दिक्कत हो रही है यार, किसी ने पानी नहीं डाला तो सब गमले सूख गए, बड़ा मूड ख़राब होता है। तो पैसा इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जीव है, मैंने बच्चों की तरह उनको पाला हुआ है, मैंने बहुत प्यार करती हूँ मैं पौधों से, इतना प्यार है ना मुझे, ऊपर वाले तो मैं सहेज रही हूँ, लेट्स सी क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, कितना मैनेज हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना तो मैं रखूँगी क्योंकि प्लांट्स मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकती किसी भी हालत में। तो चलिए ये काम भी निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे तो उठ नहीं रहे, अकेले मेरे से ये होगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा भी बैठने का, और नींद मुझे एक बार उठने के बाद आती नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। देखती हूँ सब्जी वगैरह कुछ है नहीं घर में कि सब्जी बना लूँ, जैप्टो या ब्लिंकिट से मंगाऊँ, और अभी कोई सब्जी वाले की आवाज़ भी नहीं आ रही, देखते हैं। वरना आज दिया को फिर से वही पुलाव खाने की इच्छा है जो कल खाया था क्योंकि वो पुलाव इतना स्वाद लगा इनको कि समृद्ध ने ही सारा खा लिया था, जब रात को हम खाने बैठे तो उसमें इतना बड़ा मजाक हुआ हमारे साथ, बिल्कुल थोड़ा सा पुलाव बचा था और दिया और उसके पापा ने खाया, मैंने और समृद्ध ने नहीं खाया क्योंकि था ही नहीं उसके अंदर, तो हम तो दिन में खा चुके थे तो दिया और उसके पापा ने खाया और दिया का मन नहीं भरा उतने से, तो आज भी मम्मी वही वाला पुलाव बनाओ कह रही है, और फिर रात को समृद्ध ने मैगी खाई और मैंने पाव भाजी खाई थी तो उसकी भाजी भी पड़ी है तो वो भी लग जाएगी। आज यहीं बैठे बैठे आपको सब दिखा रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि क्योस है घर के अंदर, सारा कचरा पट्टी है, जैसे अभी काम शुरू होगा फिर तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं हम, आज अभी तक इलेक्ट्रीशियन भी नहीं आया है कि आ जाए और प्लग जो बाकी के बचे हुए हैं वो इंस्टॉल कर दे, तो थोड़ा सा ना एक जो ये लटकी हुई तारें हैं ना देखिए कंफर्टेबल भी नहीं है, अच्छी तो क्या ही लगेगी, कंफर्टेबल नहीं है, डर लगता है क्रॉस करते हुए इधर उधर, तो अभी एकदम से भगदड़ मचने वाली है, तब तक मैंने कहा मैं कपड़े वगैरह समेट देती हूँ क्योंकि ये सारे कपड़े हमें अटैचियों में भरने हैं, अटैचियों में पैक कर देंगे तो उतना एक एक अटैची सबके नाम की हो जाएगी, जिसको अपने कपड़े निकालने अपनी अटैची खोलो कपड़े निकालो वापस बंद करो सेफ एंड साउंड, गंदगी भी नहीं पड़ेगी मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। ये दिमाग पहले क्यों नहीं आया, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए आती हूँ, ढेरों कपड़े तय लग चुके हैं, ये मेरे हैं दिया के, इनके सैमी के, कितने सारे मैं लगा चुकी हूँ, अभी वो रह गए हैंगर पे, काम फिर से शुरू, इस कमरे को भरना है, उस कमरे को खाली करना है और ये नवाब हमारा जो है बीचों बीच रास्ते में बैठ गया, ये वो जो पल्ले होते हैं वो आ चुके हैं और ये कल पीओपी वाले को चाहिए यहाँ पे अंदर कमरे में, तो पहले वो छोटा कमरा करेगा बच्चों वाला, तो वो बच्चों वाले कमरे को हम खाली कर रहे हैं, तो चलिए अब इस काम में लगे हैं, थोड़ी सेटिंग चेंज कर लें उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं।
तैयारी शुरू, पैकिंग शुरू। देखिए एक अटैची भर चुकी है, एक और भर रही हूँ। कमरा खाली हो रहा है, हम कहीं जा नहीं रहे। जाने का जब भी सोचो, जा तो कहीं पाते नहीं। चलिए पैकिंग करते हैं। लग गए हैं, एक लास्ट रह गया है बस। ये होने के बाद ये जो कबाड़ खाना है ये सब सेट करना है। अभी झाड़ू लगाया था, वापस से झाड़ू लगेगा। बहुत बुरी हालत हो रही है। लाइट कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने लाइट्स की डायरेक्शन भी चेंज करवाई है और उसके वाट भी चेंज करवाए हैं। ये एक और एक वो, पहले यहाँ पे थी तो उससे लाइट इतनी प्रॉपर नहीं आती थी, तो अभी मैंने चेंज करवा के सामने और यहाँ पे कर दिया है। तो काफी बढ़िया लाइट आ रही है, बिल्कुल फेस पे आ रही है। तो फेस पे जो लाइट पड़ रही है ना, उससे ग्लो भी ज्यादा अच्छा आ रहा है। वैसे तो मिट्टियां चढ़ गई है, ग्लो वो ग्लो की बात नहीं कर रही, सिर्फ शाइन की बात कर रही है जो लाइट से आ रही है। आती हूँ, क्योंकि ये कबाड़ खाना अभी भी ऐसे ही है, इसको समेटना है। और वो पूरा रैक जो है वो एक डब्बे में हमने डाल दिया। चलिए अब ये निपटाएं, आगे बढ़े, अगला काम करें। सॉरी, मैं कल वाले ही नाइट सूट में हूँ, जबकि ये गंदा भी हो चुका है। बट कपड़े सब पैक हो चुके हैं, तो ज़्यादा कपड़े गंदे करना नहीं चाह रही हूँ मैं, इसलिए मैंने वही पहन लिया। क्योंकि सिर्फ रात रात ही पहना था और सुबह फिर चेंज कर लिया था, तो अभी फिर मैंने वही पहन लिया है। अब कल चेंज करूँगी नहा के। अभी तो नहा लिया, सब कर लिया। अभी दिया को भी मैंने थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन किया है, फेस वगैरह पे उसको आइस पैक लगाया है, सब किया है, क्योंकि बहुत ईचिंग हो रही थी उसको। मुझे सिर्फ यहाँ हो रही है, बट उसको डस्ट से एलर्जी है, तो उसको पूरी स्किन में हो रही थी। तो अभी बस खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आज नई जगह से मंगाया है। इंडियन थाली मंगवाई है आज मैंने, दो थाली मंगाई है, सफिशिएंट होगी, क्योंकि बच्चों ने अभी मोमोज वगैरह खाए थे दिन में, तो उनको अब इतना नहीं है भूख। दो थाली मंगा ली है, मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे, और हो सकता है ये भी टाइम से अगर आ जाते हैं तो ये भी खा लेंगे। ख़त्म काम। अब मैं आई थी आपसे विदा लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है और मुझे दिया की भी बात सुननी है। वो कुछ बोल रही है वहाँ से, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे वहाँ जाना है। तो चलिए फिर विदा ले लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल एक नया काम शुरू होने जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ वो इम्प्लीमेंट होगी छतों पे पहले। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या चेंजेस करवाने का सोचा है, ठीक है? तो गुड बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। और बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मे बी हो भी चुके हों, मैंने चेक नहीं किया है। तो उसके लिए भी मैं आपको गुड न्यूज़ बताने आऊँगी दोबारा। बाय।